आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। गांव मानक चौक के रहने वाले किसान अपने खेतों पर घूमने के लिए गए थे। वहां उन्होंने खेत में जंगली जानवर के पंजे दिखाई दिए। पंजों को देखकर वह दंग रह गए। कुछ ही देर में खेत पर बनी ट्यूबवेल के अंदर जब झांक कर देखा तो उसमें तेंदुए का बच्चा दिखाई देने पर कुछ ग्राम पंचायत के किसानों को जानकारी दी। वह अन्य और किसानों की भीड़ एकत्र हो गई। किसानों ने अंदेशा जताया कि जंगल में तेंदुआ के बच्चे की माँ अभी अभी भी जंगल में ही घूम रही है। जंगल में तेंदुए होने की तेंदुए की खबर से ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से मामले की जाँच कर संबंधित जानवर को पकड़वाने की मांग की है। गढ़ क्षेत्र में कई गांव हसनापुर वन्य जीव क्षेत्र के हैं। यहां पर अक्सर तेंदुए दिखाई दे जाते हैं। इसी के साथ गांव दोताई और नया गांव में तो वन विभाग की टीम ने तेंदुए और उसके परिवार को भी पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। फिर आज एक बच्चे को जैसे ही किसान ने अपने ट्यूबवेल के अंदर देखा तो तुरंत ही वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग SI गौरव ने बच्चों को पकड़ कर उपचार के लिए भेज दिया। वहीं किसानों ने SI गौरव की मेहनत को देखकर खूब प्रशंसा की और किसानों को यह आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्दी इसकी मां को भी पकड़ लिया जाएगा जिससे किसानों को खेत पर काम करने पर कोई हानि ना पहुंचे। गढ़ मुक्तेश्वर से गुलजार अली की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।